नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक बार करंट न्यूज़पेपर पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। आज का वीडियो 27 अगस्त के न्यूज़पेपर पर आधारित है और न्यूज़पेपर जो रेफरेंस के लिए है वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हमने यूज किया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के प्रमुख प्रश्नों को। सबसे पहला, द प्रॉब्लम ऑफ सिटीजनशिप इन आसाम लाइज इन द हिस्ट्री, एक्सप्लेन। असम में नागरिकता संबंधी समस्या की जड़ें अतीत में छिपी हैं, समझाइए। दोस्तों, असम में जो नागरिकता का मुद्दा चल रहा है, एनआरसी जो नेशनल एनसीआर नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर में जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनके नाम उसमें रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उन्हीं को नागरिक माना जाएगा, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इस तरह का प्रोसेस चल रहा है और इसको लेकर काफी विवाद भी है। तो दोस्तों, यह प्रश्न जो है जीएस पेपर वन से जाके जुड़ता है, आजादी के बाद से जो भारत का इतिहास है उससे जाके संबंधित होता है। और दैनिक जागरण में जो आर्टिकल पब्लिश हुई थी, ये अतीत में छिपी असम संकट की जड़ें, इसी को आधार बनाकर मैंने ये प्रश्न क्रिएट किया है और इसी से तथ्यों को हमने ग्रहण किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन शुरू हुआ तो सांप्रदायिक आधार पर यह विभाजन किया गया था, तो काफी ज्यादा संख्या में लोग माइग्रेट हुए और असम में आकर के बसे। उस समय से फिर जो लोकल पॉपुलेशन थी और जो बाहर से लोग आके बसे उनमें से अधिकांश मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो जो जनसांख्यिकी था वो बिगड़ने लगा। अंग्रेजों की भी एक पॉलिसी थी जिसको कि लाइन सिस्टम कहा जाता था, उसका उद्देश्य था कि असम में चूंकि जनसंख्या कम थी, संसाधन थे काफ़ी ज़्यादा, उनका दोहन करने के लिए बाहर से लोग ले आए गए और उनका उद्देश्य था कि इन रिसोर्सेज को बाहर से जो मजदूर ले आए गए, काम करने वाले लोग ले आए गए, उसके माध्यम से अधिक इसका दोहन किया जा सके। उसके बाद से दोस्तों उसी समय मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई और उसने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया। 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे के हिसाब से जनसंख्या में इस तरह से पॉपुलेशन की जो रेशियो थी हिंदू मुस्लिम आबादी की या लोकल और बाहर से आने वाले आबादी की, उसमें इतना ज़्यादा चेंज हुआ था कि उसे जनसांख्यिकी आक्रमण का नाम दिया गया था, जनसांख्यिकी आक्रमण। 1937 के चुनाव में गोपीनाथ बोरेदोलई की कांग्रेस सरकार वहां पे बनी, वो इसी वादे के साथ सत्ता में आई कि जो बाहर के घुसपैठिए होंगे उनको बाहर खदेड़ दिया जाएगा। तो गोपीनाथ बोरेदोलई की कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर ही आई थी और इसके लिए फिर उसने काम करना भी शुरू किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इतिहास के माध्यम से कि 2 ही साल बाद जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, कांग्रेस ने इसके विरोध स्वरूप जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी वहां से उसने इस्तीफा दे दिया, यानी 1939 में इस्तीफा दे दिया। तो ये काम जो बोरेदोलई की सरकार कर रही थी वो फिर रुक गया। इसके बाद से दोस्तों असम में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, उसने फिर 1,00,000 एकड़ जमीन जो है और बाहर से बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों के लिए, घुसपैठियों के लिए उसने एलोकेट कर दी और मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देते हुए स्थानीय जनसंख्या में मुस्लिमों की पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया और प्रश्रय देने लगा। इसके बाद आज़ादी के बाद भी जो है इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। नेहरू जी जो है इस बात का विरोध करते थे कि जो बाहर से घुसपैठिए आए हैं, मुस्लिम आए हैं, उनको बाहर निकाला जाए, इस बात की वो हमेशा से विरोध करते थे। तो इस वजह से भी ये समस्या गंभीर हो गई। तो ये प्रमुख पॉइंट इस आर्टिकल से मिले जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि GS 3 के पेपर से जाके जुड़ता है, NPA की समस्या। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NPA, व्हाट आर द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग NPA इन इंडिया। तो NPA से आप क्या समझते हैं, भारत में NPA के बढ़ने के कारणों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। NPA का मतलब है दोस्तों, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसे संपत्तियां बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज जो कि जिन पर कि उनको रिटर्न नहीं मिलता है। तकनीकी रूप से 90 दिनों के तक अगर कोई भी रिटर्न इंटरेस्ट या जो उसका EMI है वो अगर नहीं मिलता है तो उसे जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में मान लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अब इस धन के डूबने की आशंका है। तो इस तरह के जो धन है, बैंक चूंकि कर्ज देता है उस पर इंटरेस्ट से
उसको प्रॉफिट होती है और फिर वो पैसा रोटेट होता है। लेकिन जब कोई धन लॉक्ड हो जाता है, उससे उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो उसे एनपीए कहते हैं। और ये अर्थव्यवस्था के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ही घातक माना जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो न्यूज प्रकाशित हुई थी वो थी कि और बिगड़ सकती है एनपीए की समस्या। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने की म्याद दी थी, 6 महीने का टाइम दिया था बैंकों को एनपीए के संबंध में, जो फंसे कर्ज हैं उनकी रिकवरी के लिए, उनसे संबंधित नीति के लिए बैंक को 6 महीने का समय दिया था, और वो समय जो है खत्म हो गई है। पर एनपीए की समस्या और बढ़ गई है, तो इनमें से इसी से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और कुछ पॉइंट्स अलग से भी हैं। तो 2018 में अब तक एनपीए की दर जो है 12.1% हो गई है। दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की समस्या जो है, पहले बैंक एनपीए को सही ढंग से घोषित नहीं करते थे, एसबीआई को बताते नहीं थे, तो आरबीआई को बताते नहीं थे, या बहुत सारे इस तरह के केसेस को छिपा लेते थे। तो आरबीआई ने पॉलिसी बनाई कि जो छिपा हुआ एनपीए है उसको घोषित करना अनिवार्य किया। कई सारे ऐसे मेजर्स, ऐसे नॉर्म्स बनाए जिसके अकॉर्डिंग एनपीए को छुपाना बैंकों के लिए अब आसान नहीं रह गया। तो इस वजह से जो छुपा हुआ एनपीए था वो भी अब सामने आने लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिखने लगा, इसलिए भी एनपीए की दर जो है बढ़ी हुई। यानी समस्या तो पहले भी थी लेकिन वो सामने नहीं आती थी आंकड़ों में, इसलिए रेट कम दिखता था। अब चूंकि सारे के सारे एनपीए समस्याएं कैसे जो है बाहर आने लगे, वो रिकॉर्ड पे आ गए, इसलिए उसकी रेट जो है बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज के कारणों के रूप में अगर हम देखें तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था में जो अस्थिरता है उसको आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में एक प्रमुख कारण माना है। और जो सबसे प्रमुख कारण है वो अविवेकपूर्ण कर्ज, यानी उद्योगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बिना ठीक से जांच पड़ताल किए हुए जो कर्ज दिए गए। जैसे अभी बैंकों में कई सारे धोखाधड़ी के भी केसेज हुए, जैसे नीरव मोदी का केस हुआ, विजय माल्या को दिया गया, तो जो इस तरह के लोन दिए गए उस लोन से एनपीए की समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से, इकोनॉमी वाले पार्ट से जाके जुड़ता है। तो ये थे आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।